हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर और आज है 5 तारीख। तो आज है बच्चों की छुट्टी, तो अभी हम थोड़ी देर पहले उठे ही थे तो चाय वाय सब हो गई है और यहाँ पे मैंने आलू रख दिए थे बॉयल करने के लिए, क्योंकि छुट्टी के दिन हमेशा मन करता है कुछ अलग से खाने का। तो आज यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, और आलू के पराठे हमारे यहाँ बन जाते हैं 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जब मन करता है तो बना देते हैं छुट्टी के दिन। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे और इससे पहले चाय वाय हो गई है, बच्चे भी मैंने उठा दिए हैं, तो बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं। अभी उनके लिए पानी भी लगाया हुआ है नहाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है छुट्टी के दिन बहुत सारे काम निकल के आ जाते हैं और हम महिलाओं की ना कभी छुट्टी नहीं होती है। बच्चों को तो फिर भी मिल जाता है रेस्ट करने के लिए, लेकिन जो हम औरतें होती है ना, हमारी ना छुट्टी होती है ना कुछ होती है, बस छुट्टी के दिन तो हमारे बहुत सारे काम निकल आते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिए थे, उसके बाद मुझे इसे करना है मैश, और मेरे पास कुछ भी नहीं है मैश करने के लिए, बस ये कूटने वाली ओखली है ना, तो इसी से मैं कूट लेती हूँ। लहसुन भी कूटती हूँ इसी से ही, कूटने वाले से, और इसी से ही मैं आलू भी मैश कर लेती हूँ, इससे ठीक हो जाता है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी नमक, मसाले, हल्दी, जो भी मुझे इसमें डालना है, बाकी तो कुछ और है नहीं, बस यही डाल के मैं आलू के पराठे बना लूँगी गर्मा गर्म। तो मैंने कहा आज छुट्टी भी है तो धीरे धीरे सारे दिन भर लगे रहेंगे, काम का क्या है, अपना ही काम है, और देर में करो चाहे पहले करो, जाना थोड़े ना है कहीं भी, वैसे भी घर में ही रहना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक तरफ तो मैंने चाय रख दी है पकने के लिए और दूसरी तरफ रख दिया था मैंने दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध भी आ गया था। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन ना काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग के, क्योंकि चाय भी दी थी बच्चों को, दूध की डोलची हो गई थी, और मैंने जैसे आलू उबाला था ना कुकर में तो फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग गई थी। तो मैंने कहा क्यों ना पहले मैं इनको ही धो के अलग से साइड में रख दूँ, ऐसे में ये हो जाता है, एक तो काम हल्का हो जाता है हमारा और ज़्यादा भी सिंक नहीं भरता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो के रख दिए थे टब के अंदर, और इसके बाद यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया था तो वो भी मैंने साइड में निकाल दिया था। चाय भी मेरी पक गई थी, क्योंकि चाय अगर पहले से बना के रखो ना। तो चलिए फिर आलू की जो पिट्ठी है वो तो बनके तैयारी हो गई थी, अब इसे हम भर लेंगे आटे के अंदर। और लोई मैंने बना ली थी और इसको भर दिया था, और जबकि आप देख रहे होंगे थोड़ा गीली गीली भी हो गई थी, लेकिन फटी बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छे से मतलब इसके अंदर भर के, और गोल सी रोटी भी बनके तैयार हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने बोल दिया था कि तब तक तुम पढ़ाई कर लो, तो मैंने उनसे टीवी बंद करवा ली थी, मैंने कहा जितनी देर मैं यहाँ पे पराठे बनाऊँगी उतनी देर तुम 1 घंटा अपनी स्टडी कर लो। लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो बिल्कुल कहना नहीं मानता है, वो सोचता है मैं एक चक्कर लगा के आ जाऊँ, बाहर खेल के आ जाऊँ, लेकिन मैंने बहुत डांटा, मैंने कहा बेटा अभी तो सुबह के 8 ही बज रही हैं, 8 बजे कौन आता है, नहा जाएगा, नाश्ता कर लेगा, उसके बाद चले जाना। तो इस तरह से उसे समझाया था तो बड़ी मुश्किल से पढ़ने बैठ गया है। उसका ऐसा होता है ना, अगर मैं उसके साथ में बैठूंगी तब तो पढ़ लेगा, लेकिन अगर मैं इधर उधर अपने कामों में लगी रहूंगी ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, अगर उनके साथ में बैठेंगे ना 1-2 घंटे पढ़ाने के लिए तो बैठ जाएंगे, वरना फिर वो इधर उधर मस्ती करते रहेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने पराठा देख रहे होंगे आप, मैं ये राइसन ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये जो तेल है ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका जो खाने का स्वाद है ना ऐसा लगता है जैसे कि हम घी के पराठे खा रहे हों। तो मुझे ना ये तेल काफ़ी पसंद आया है, और आप लोगों को मैं ये भी एडवाइस देना चाहूँगी कि हमेशा जो है राइसन तेल का ही इस्तेमाल करें, बहुत ही खाने में भी टेस्टी होता है, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 पराठे बना दिए थे तो मैंने बच्चों को दे दिए थे, पहले मैं बच्चों को ही खिलाती हूँ, फिर ये रहता है ना अपने आप ही अपने आप रहते हैं। तो बच्चे जो है पराठे खा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने सॉस भी लिया था, सॉस में वो पराठे खा लेते हैं, उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ से फिर से किचन में, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैंने यहाँ पे किचन की आज डीप क्लीनिंग करनी है, और किचन की मोस्टली ज़्यादा मुझे यहाँ पे किचन के काउंटर की डीप क्लीनिंग करनी थी, गैस की डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मैं ये क्या करती हूँ हमेशा यहाँ पे गीला कपड़ा ही मारती हूँ, और कभी भी मैं इस तरह से विम बार का पोछा नहीं लगाती हूँ, हमेशा गीला ही कपड़ा रहता है, तो किचन साफ़ ही मुझे लगता है, और मेरी जो गैस है वो भी
चमकती ही रहती है। लेकिन आज छुट्टी थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज अच्छे से इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि गर्मी भी आने वाली है और गर्मी में बहुत ज़्यादा कॉकरोच होने का डर रहता है। अगर साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से होती रहे हफ्ते दो हफ्ते में तो फिर कॉकरोच नहीं दिखते हैं। अभी मुझे आजकल तो नहीं दिख रहे हैं, बीच में दिखने लग गए थे लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो विम बार का पोछा है ना पूरा अच्छे से जो टाइल्स है सामने, क्योंकि चींटी वीटी भी लग जाते हैं तो वहाँ पे भी मैंने लगा दिया है। फिर मैंने जो हमारे गैस की स्लैब होती है ना उसे ज़्यादा नहीं तो हफ्ते दो हफ्ते में तो साफ़ करते ही रहना चाहिए। वैसे तो गीला कपड़ा सभी लोग लगाते ही होंगे, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन हफ्ते दो हफ्ते में एक बार विम बार का जो पोछा है ना वो ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो चिपकन सी रहती है ना वो भी दूर हो जाती है, गंदगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और एक तरफ बारीकी से भी हमारा काम हो जाता है समाप्त। तो यहाँ पे जितनी भी नीचे टाइल्स है ना लगी हुई वहाँ पे मैंने अच्छे से गीला कपड़ा और इस तरह से मैंने विम बार का पोछा सभी जगह लगा दिया है। इस तरह से मैं हफ्ते दो हफ्ते में डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है, जैसे बच्चों की छुट्टी है या मुझ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है। आज तो मेरे पे बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने खाली किचन काउंटर साफ किया है, गैस की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है और चारों तरफ जो टाइल्स है वैसे तो चमकती रहती है लेकिन एक बार मैंने जो विम बार का पोछा है वो लगा दिया है। तो इस तरह से क्या होता है, ये होता है कि किचन साफ़ सुथरा ही लगता है। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना तो उनका सारा कचरा उठा के मैंने एक बड़ी सी छन्नी बनाई हुई है और छन्नी की सहायता से मैं फिर कचरेदान में डाल देती हूँ, क्योंकि सिंक ये होता है कि सिंक में कभी भी जो ज़्यादा कचरा होता है वो नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो बदबू भी आ जाती है और सिंक बंद होने का डर भी रहता है। तो मैं इसी तरह से सारा कचरा जो उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। और उसके बाद देखिए बर्तन भी काफ़ी हो गए थे क्योंकि आज की दूध की जो पतीली है ना वो भी मैंने धोने के लिए रखी थी, तवे और जिसमें रोटी रखते हैं ना हॉट केस वो भी, मतलब काफ़ी बर्तन हो गए थे। और अभी ना मेरे ढेरों काम पड़ा हुआ है तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज किचन ही पे पूरा टाइम दे दूं, तो मुझे लग गया था यहाँ पे काफ़ी टाइम। और फिर मैंने बच्चों का पानी भी यहाँ पे गर्म होने वाला है तो मैंने कहा मैं किचन से फ्री हूँ तो मैं बच्चों को नहलाऊँ, उसके बाद कपड़े धोने हैं, काफ़ी काम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी थोड़ा ज़्यादा क्लीनिंग हो गई थी, जैसे जहाँ पे साबुन रखते हैं वो भी मैंने धो दिया था अच्छे से क्योंकि यहाँ पे भी गंदा सा लग रहा था। तो इस तरह से मेरी क्लीनिंग चल रही है। तो बताइएगा आज आपको ब्लॉग कैसा लगा और मैंने आज यहाँ पे आप अपनी मॉर्निंग की जो डीप क्लीनिंग है किचन की वही आप लोगों के साथ शेयर की है कि मैं छुट्टी के दिन जो है मेरा जो रूटीन है इस तरह से रहता है किचन का। तो कई बार मैं बदल बदल के काम कर लेती हूँ, जैसे कि आज मैंने किचन की कर दी छुट्टी के दिन और अगले दिन अगर छुट्टी होगी तो उस दिन पूरे रूम की क्लीनिंग कर ली। तो इस तरह से मैं हफ्ते दो हफ्ते में टाइम मैनेज करके क्लीनिंग कर लेती हूँ। इससे क्या रहता है, काम का बर्डन भी ज़्यादा नहीं हो पाता और काम ईजिली भी हो जाता है। तो लास्ट में यहाँ पे करनी है सिंक की सफाई और देख सकते हैं आप पूरा जो किचन कितना साफ़ सुथरा लग रहा होगा। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। और वीडियो को विराम यहीं पे देती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।